बेदिखाल मार्केट है, देख सकते हो। जख तुम गचा वख कानो कानो वर बटे गई राजकुमार पर बटे चूड़ा चमारे। जो लोग पलायन करना चाहिए उत्तराखंड छोड़ी जाना चाहिए, वो खुण क्या मैसेज देना चाहना था? वो था इन मैसेज देना चाहना था वहाँ क्या पर पहाड़ मावा पर उत्तराखंड मावा तुम्हारा देवी देवता तुम सब बुलाना चाहिए। तो ये है चौरखिंड गांव का बस स्टॉप। तो चलिए अब चलते हैं चौरखिंड गांव की गलियों की तरफ। वेलकम टू चौरखिंड गांव। जी हाँ, आज हम दिखाने वाले हैं आपको पौड़ी गढ़वाल बीरूखाल ब्लॉक में बसा एक खूबसूरत गांव जिसका नाम चौरखिंड है। देख सकते हो बहुत ही बड़ा गांव है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज हमारी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं चौरखिंड गांव और मिलाते हैं चौरखिंड गांव के लोगों से आपसे। तो बने रहे वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देख सकते हैं चौरखिंड गांव। तो चलिए ले चलते हैं आपको चौरखिंड गांव में। हे हे मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ एकदम राजी खुशी होंगे। मैं अशोक रावत स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत गांव गलियारों और पहाड़ों में। तो आज आए हम अपने बुआ के गांव जो कि पड़ता है पौड़ी गढ़वाल के बीरूखाल ब्लॉक में। गाँव का नाम है चौरखिंड। ये देख सकते हो मेरे पीछे सामने ये रहा गाँव चौरखिंड गाँव। बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत गाँव है। तो आज हम दर्शन कराएंगे आपको चौरखिंड गाँव के और हमारी बुआ रहती है यहाँ पे, तो बुआ के घर पे आए हुए हैं। बुआ से भी बात कराएंगे इस गाँव में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें नहीं होती है। आप लोगों को प्यार और हमारे जीजाजी मोहन सिंह नेगी ग्राम कोला उनके सपोर्ट से आज हम वीडियो बना पा रहे हैं और जगह जगह आप लोगों के गांव पहुंच पा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों और गांव गलियारों से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं कितने लोग हमारे देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों और गाँव गलियारों से प्यार करते हैं। और हाँ, अपने सुंदर गाँव का नाम कमेंट में ज़रूर मैंसन कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी वजह से उत्तराखंड को जाना जाता है, हमारी वजह से उत्तराखंड की पहचान बनी है। लेकिन उन मूर्खों को ये बताना चाहता हूँ, हम भी ब्लॉगर हैं, छोटे ब्लॉगर ज़रूर हैं, लेकिन हम जाने जाते हैं देवभूमि उत्तराखंड की वजह से, क्योंकि उत्तराखंड है तभी हमें हमारी देवी देवताओं के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड, और उसकी वजह से जाने जाते हैं हम लोग। तो कई ऐसे मूर्ख होते हैं जो ये कहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि हमारी वजह से उत्तराखंड को जाना जाता है, ये सरासर गलत है। फिर भी आप लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं और हम जो छोटे यूट्यूबर हैं हम आज भी कहते हैं और पहले बहुत टाइम से वीडियो बना रहे तब भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि देवभूमि की वजह से हमें जाना जाता है, ना कि हमारी वजह से देवभूमि को जाना जाता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हो ये है चौरखिंड गाँव, पहाड़ों के बीच बसा हुआ और ऊपर मैला चौरखिंड गाँव है। हम जूम करके भी आपको दिखाएंगे अभी। तो देख सकते हो सुंदर पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये खूबसूरत चौरखिंड गांव है। ये देख सकते हो आप, काफ़ी खूबसूरत है। ये देख सकते हो बहुत बड़ा गांव है ये चौरखिंड गांव। और हम आए हैं अपनी दीदी के घर जो कि है यहाँ पे। देख सकते हो आप, ये है जहाँ पे चेयर लगी हुई है, वो है मेरी बुआ का घर जहाँ पे दो चेयर और ऊपर बहुत सारे यहाँ लग रहे हैं। इस बार बहुत ज़्यादा कद्दू यानी खरबूज बहुत मात्रा में हुए हैं। जहाँ पे दो चेयर लगी हुई है वो है मेरी बुआ का घर। तो अभी बुआ से भी मिलवाएंगे और गांव के दर्शन भी आपको करवाएंगे। तो ये देख सकते हो ये है पूरा चौरखिंड गांव और ऊपर मैला चौरखिंड है। यहाँ आपको दिख रहा होगा तो ये मैला चौरखिंड गांव है, ऊपर पहला चौरखिंड ये है और ये मैला चौरखिंड है। ये जो आपको दिख रहा है ये मंदिर भी है, ये देख सकते हो आप, एक मंदिर भी है यहाँ पर। लोग यहाँ पे कपड़े धो रहे हैं, देख सकते हो आप, पानी यहाँ भरपूर मात्रा में है। तो देख सकते हो कुछ लोग मंदिर के दर्शन करके यहाँ हाथ मुंह भी धो रहे हैं। तो देख सकते हो पूरा ये है चौरखिंड गांव। यहाँ देख सकते हो स्कूल भी है चौरखिंड गांव के और आसपास के गांव के लोग यहाँ पढ़ते भी हैं। स्कूल है ये सामने और ये है निगण गाँव। ये देख सकते हो कितना, ये भी खूबसूरत गाँव है। देख सकते हो पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये है निगण गाँव। ये देख सकते हो अगर आप यहाँ के हैं तो कमेंट करके बताएं। और हम आए हैं वहाँ से, ये रोड आ रही है, वो आगे सैंदार है,
वहाँ बसें खड़ी रहती है, वो वहाँ पे वो सामने आपको दिख रहा होता, जूम करके आपको दिखा दूँ यहाँ से, ये जगह आपको दिख रहा होगा सेंदार, वहीं पे बसें खड़ी होती है। बेदिखाल जाते जाते यहाँ पे एक मंदिर मिली हमें, हमें पता नहीं है कौन से भगवान की मंदिर है, पर लेकिन देख सकते हो कितनी खूबसूरत, साफ़ सफाई बिल्कुल, मेंटेनेंस और बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रखी है इस मंदिर की। ये देख सकते हो, मतलब देखने से ऐसे लग रहा है कि भोले बाबा की होगी, भोले बाबा की होगी। तो जय भोलेनाथ, जय शंभो, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, जो हमारी वीडियो देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और उत्तराखंड के इन खूबसूरत गाँव गलियारों को प्यार करते हैं, और उन पर सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो चलिए अब चलते हैं बेदिखाल मार्केट की तरफ। यह है बेदिखाल मार्केट, काफ़ी बड़ा मार्केट है, देख सकते हो ठीक ठाक लोग यहाँ पे हैं और अच्छे खासे दुकानें यहाँ पे चलती है, ये देख सकते हो। यह है बेदिखाल मार्केट भाई, कल लौटते हैं बेदिखाल मार्केट। बढ़िया, बेदिखाल मार्केट में हम हैं और अब दिखाते हैं आपको बेदिखाल मार्केट, ये देख सकते हो आप। यहाँ के लिए, यहाँ से हर जगह के लिए गाड़ियाँ मिल जाती है, नीचे स्टैंड है गाड़ियों का, पोखड़ा, चौबटे खाल, बैजरो, इन जगहों के लिए गाड़ियाँ मिल जाती है। यह है बेदिखाल मार्केट, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे एक मंदिर भी है, हिमालय पर्वत भी दिखता है, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये है हिमालय पर्वत, यहाँ से दिख रहा है बेदिखाल मार्केट से, ये देख सकते हो आसपास के गांव भी दिखाई दे रहे हैं, ये देख सकते, ये है हिमालय पर्वत। तो फैमिली अब आ चुके हैं हम बेदिखाल से नीचे, और अब जा रहे हैं फिर चौरखंड गांव की तरफ। तो चलिए चलते हैं, ये देख सकते हो बेदिखाल, और सामने मैच भी हो रहा है, लाउड स्पीकर में आवाज़ आ रही है, पर काफ़ी दूर है, उधर नहीं जा पाए हम। तो ये बेदिखाल दिखाया आपको, अब दीदी से चौरखंड गांव में जाके चौरखंड गांव से भी दिखाएंगे और दीदी से भी मिलवाएंगे। तो ये है चौरखंड गांव का बस स्टॉप, तो चलिए अब चलते हैं चौरखंड गाँव की गलियों की तरफ। वेलकम टू चौरखंड गाँव, इस बोर्ड पर लिखा गया है, यात्री स्टैंड यहाँ बनाया गया है। तो चलिए ले चलते हैं आपको चौरखंड गाँव की गलियों की तरफ। ये देख सकते हो, यहाँ से आपको रोड से सीधे नीचे आना होगा, और जो आगे रोड जाती है सेंदार की तरफ चली जाती है, एक गली ऊपर चली जाती है ये। ये देख सकते हो आप चौरखंड गाँव की तरफ, गौशालाओं की तरफ। यहाँ काफ़ी पेड़ भी है, भीमल के पेड़ हैं, और यहाँ ये पलकुंड जिसे कि कुंभ भी कहा जाता है, ये लगाए गए हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको चौरखंड गाँव की गलियों और सड़कों की तरफ। तो देख सकते हो आप, और यह है फर्स्ट घर, देख सकते हो यहाँ से, वो भैंस की बिल्ली रे उठा दिया इसने, और ये आ चुके हैं, यहाँ पे ठहरे हुए हैं हम बुआ के घर में। ये कहाँ दवा है? हाँ, अब तो फोन नंबर नहीं था, मैंने बोला था नहीं किया, मुझे बोनस है, मुझे बोनस है, पर ये भी नहीं खान दो, नहीं भी कुछ करनी खान दो, तुम नहीं खान की। ये है मेरे बुआ का घर, अरे ये है बुआ, अभी बुआ से भी बात करवाएंगे। यहाँ पे ठहरे हुए हम चौरखंड गांव में, तभी थोड़ी देर में आपसे बात भी करवाते हैं और चौरखंड गांव आपको पूरा डिटेल में दिखाते हैं। काटे शक्करगन से बिक्की की दाढ़ी देखो दाढ़ी की। तो फैमिली, ये हमारी बुआ और ये उनके फ्रेंड है, अरे चौरखंड गांव के लोग भी आ रखे हैं यहाँ पे, तो जानते हैं कुछ चौरखंड गांव के बारे में। तो दीदी, चौरखंड गांव मतलब टोटल कद का लोग रहते, कदा मामा से चाहिए? हम रहने वाले हैं पौड़ी गढ़वाल का, और मैं के हैं मेरे पोलेगाट पटलियों, और उस गांव का ब्लॉक है पोखड़ा। हमारा ब्लॉक है बिरुखा, तहसील शिवशी,
अच्छा पौड़ी गढ़वाल। अच्छा मतलब ये गांव टोटल कद का मावा से चीज चरखंड गांव 200 मावा से 200। हां अच्छा एक फेमस मतलब इन चीज के होंदे जो और गांव में कम होंदे एक ज्यादा होंदे। अरे यहां तो लंगूर रहते हैं तो कुछ होने नहीं देते हैं। मैं ज्यादातर खरबूज दिखना है बहुत ज्यादा मात्रा। अच्छा कद्दू तो यहाँ बहुत होते है बरसात के टाइम में, मिर्च भी ज्यादा होती है और 1 लाख की 2 लाख की। अच्छा बोलो गढ़वाल में जन्नी बना तुम। अच्छा ये अच्छा इन बोले 60,000 आ तो मेर मार्च में। अच्छा हां आ लोग ही के 20-25,000 आ जन दाल ही हुई है। नहीं मैं क्वा जूंगा थोनो नहीं क्वा जूंगा तो 9 मिनट जा मैं किसी लहसुन प्याज भी खूब हुई है। अच्छा लहसुन प्याज भी अच्छा छकाय हुन्छ। अच्छा साल भर में एक ढ्याड्या हुन्छ। अच्छा हैं पैसा ढ्याड्या नि छि आर एका का लोक चलगी उत्तराखंड छोडी के कोई चलगी देहरादून कोई चलगी दिल्ली कोई चलगी लखनऊ शहरों में चलगी। हम यहाँ रह गए सुंगुर अटकाना कहे। जो लोग पलायन करना चाहिए उत्तराखंड छोड़ी जाना चाहिए वो हूँ क्या मैसेज देना चाहना था। वो था इन मैसेज देना चाहना था वहाँ क्या पहाड़ मावा पर उत्तराखंड मावा तुम्हारा देवी देवता तुम था बुलाना चाहिए। देवी देवता तुम गड्ढा डाल ली और मकान तुम्हारा खंजर होगी है अपने देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ और तुम था उत्तराखंड में बुलाना चाहना चाहिए। मांगल कन गंदी मतलब मांगल के हिसाब से गंदी है गाँव ये माँ बाप ब्याह बंद हुंदी यख तो कन मतलब जो लोग वीडियो देखला पर बाद वीडियो माध्यम से जान ला हाँ यार चोरखेड़ गांव तो बढ़िया मंगलेर से है तो कुछ हमारे को मिलेगा। हाँ हाँ तब तो मिलल मिलेगा वीडियो वायरल हो तब तुम्हें है ना। ए गावा को में देना होया गावा को देना हुए गावा को घूमे देना होया गावा को घूमे देना हुए पांच नामा देवे देना होया पांच नामा देवे जो कि भूमि में वीडियो बनाए जो कि भूमि में वीडियो बनाए। अ दुई शब्द जन ब्याह पौना होना दिन गाल बोलो दिन जब जन हाँ कन हाँ कन बोल दियो जन मतलब वन दिन ना अचन मंदिरों में बंदा तो मंदिर पर बैठे गए राजकुमार पर बैठे गए चूड़ा चामारे चूड़ा चामारूले चूड़ा चामारूला चौकी घेराला चूड़ा चा मारूला चौकी घेराला हमारा गाँव हमारा गाँव उवा का पुआ ब्योला का दगड़िया रगड़ा का मुआ हमारा गाँव हमारा गाँव निशानु का नैजा हमारा गाँव निशानु का नैजा कुरिशी नीचे भाया माँ बजाए कुछ मिला तो चल है पणों को खुशी शोभा सेठ ब्योला का दरबा तू भैया बजे हरी पणों को खुशी शोभा सेठ ब्योला का बाबा तू भैया बैठ जख तुम गचा वखे कानो कानो भाया
बजा अरे भैंसा ना भैंसा ना यार भैंसा ना होता ओए कुकुर से मारे बाबा पुछड़ी चोर गया बोले बोरणी क्या त्यारु नाच बता बोरणी कख त्यारु नाच बता बोरणी क्या त्यारु नाच बता बोरणी कख त्यारु नाच रोतु की बोड़ी मीरा मीनो जे रोतु की बोड़ी मीरा मीनो जे हमारा गाँव काशिक बाटा ब्योला कु बाबा उल्लू को पट्टा इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करें, लाइक करें और गलती भी होगी तो माफ करें। जय भारत, जय उत्तराखंड। तो फैमिली, ये हमारी बुआ का घर और अभी हम छत पे हैं और यहाँ से दिखाते हैं। अब घर घर तो जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ से दिखाते हैं आपको चौरखिंड गांव का नज़ारा और घर। ये देख सकते हो, ये है पूरा चौरखिंड गांव। ये देख सकते हो, सारी गौशालाएँ हैं, खेती चालू है यहाँ पे। ये सामने देख सकते हो गेहूं की, और ये है पूरा चौरखिंड गांव का नज़ारा जो कि हम अपनी बुआ के घर से बना रहे हैं। और एक गांव वो भी है ऊपर, नाम नहीं पता हमें, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। और ये है पूरा छत का नज़ारा चौरखिंड गाँव का, यहाँ से जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हो आप, पूरा राउंड राउंड जितना हमें कवर कर पा रहे हैं उतना पूरा दिखा रहे हैं। ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये हमारे लक्की भाई है जो उनका ससुराल है नीचे, हमारे ताऊ जी के लड़के। और ये देख सकते हैं यहाँ से नज़ारा 3 बजे का, ये देख सकते हो। तो फैमिली, ये था पूरा चौरखिंड गांव जो हमने आपको दिखाया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। मैं सुख रावत, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और देखते रहे हमारी वीडियो। मिलता हूँ मैं सुख रावत अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड एंड लव यू ऑल।